की घड़ी, मिट गई दूरियां, सामने आए जज्बात। ऋषि की जिंदगी में आखिर मुस्कुराकर शामिल हुई तन्वी। जी हाँ, जिस पल का ऋषि इतने दिनों से इंतजार कर रहा था आखिर वो आ ही गया। घुटनों के बल बैठकर ऋषि ने किया तन्वी यानी तनु को प्रपोज, और तनु ने मुस्कुराकर ऋषि के प्यार को अपना लिया। लेकिन ये क्या, अचानक यहाँ तन्वी की जगह ये दूसरी लड़की क्यों दिखाई देने लगी? अरे अरे, कहीं ये ऋषि का सपना तो नहीं? हाँ, मुझे फूल वाली भी तन्वी नज़र आ रही है, मुझे दूध वाला भी तन्वी नज़र आ रहा है, मुझे ट्रैफिक वाला भी तन्वी नज़र आ रहा है, मुझे हर कोई इंसान, हर कोई चीज़ में तन्वी नज़र आ रही है। मतलब प्यार के उस लिमिट तक वो ऋषि पहुंच गया। मतलब अब अगला स्टेप होगा बस पागल खाना। जी हाँ, ऋषि आज खुली आंखों से सपना देख रहे हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही बाहर के आए, हर ओर बस तन्वी ही तन्वी दिखाई दे रही है। और सपने में तो आज तन्वी ने ऋषि के प्रपोजल को भी स्वीकार कर लिया है। सचमुच ये ऋषि तो आवारा पागल दीवाना हो गया है। बिल्कुल, आई थिंक बोलता भी हूँ मैं सीन में कि यार अगर कोई मुझे देख ले तो वो आगरा के पागल खाने में डाल देगा। तो बस वही है कि बस अवॉइड कर रहे हैं हम लोग उस पीक तक पहुंचते हैं कि वो पागल हो जाए। अदरवाइज ही इज मैडली इन लव विद हर यार, मुझे उससे और कुछ दिखता ही नहीं है। वैसे आज ऋषि के सपने के बहाने तनु का ये हंसता मुस्कुराता खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया, और ऋषि के चेहरे पर भी बेहद खुशी दिखाई दी। वैसे इस सपने वाले रोमांस से दूर असलियत में तन्वी काफी टेंशन में है, क्योंकि वो बार बार ऋषि को फोन लगा रही है और उसका फोन नहीं लग रहा। और इसी बीच पवन वहाँ आकर तन्वी का फोन चेक करता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारे फोन कॉल्स किए तुमने ऋषि को। बेचारी तनु न ऋषि को भुला सकती है और न ही पवन को बता सकती है कि वो ऋषि से कितना प्यार करती है। लेकिन डोंट वरी तनु, बहुत जल्द ऋषि पवन के खिलाफ सबूत लेकर आने वाला है। किसी तरह पता लग जाए पवन सही नहीं है, पवन की शादी हो गई है या कुछ भी हो, तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग, एक आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट जब वो अमृतसर आता है, उसे कुछ पता लगता है पवन की हिस्ट्री के बारे में, पवन के कुछ पास के बारे में, और वो फिर जब वापस जा रहा होता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो चलिए देखना यह है कि कैसे पवन की असलियत ऋषि सबके सामने लाता है और तन्वी यानी तनु की शादी रुकवाता है। मुंबई से आकिब खान के साथ आज तक ब्यूरो।